दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कोरोना वायरस जो लगातार दुनिया भर में बढ़ते ही जा रहा था, जिसकी वैक्सीन बनने की खुशखबरी आई ही थी, बस कि अब इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन जो कि इंग्लैंड और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं और तेजी से लोगों में इन्फेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक कोरोना वायरस के इसी न्यू स्ट्रेन को लेकर है कि आखिरकार कैसे इन न्यू स्ट्रेन का फॉर्मेशन हुआ और क्या है ये न्यू स्ट्रेन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल शिक्षा इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन्स के फॉर्मेशन सिंपली म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं। अब दोस्तों, कोरोना वायरस के इन न्यू स्ट्रेन्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा म्यूटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं, जैसे वायरस क्या होते हैं, दूसरा जेनेटिक मटेरियल क्या और कितने प्रकार के होते हैं, और फिर समझेंगे म्यूटेशन को। दोस्तों, वायरस जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं, दोस्तों हमारे पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उनके बारे में जानकारी और याद रखना नामुमकिन होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म के वे ऑफ सर्वाइवल यानी जीने के तरीके और सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया, जिसे अमेरिकन इकोलॉजिस्ट RH विटेकर के द्वारा किया गया और इसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, इन फाइव किंगडम में से वायरस किसी भी किंगडम में सेट नहीं हुआ, क्योंकि ना तो यह लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित थे और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी आजीवित थे। यह अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि नेक्ड आईज यानी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है और यह बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर इनएक्टिव होते हैं और मृत समान होते हैं। जब यह लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, तब यह रेप्लिकेट करने लगते हैं और अपने वंश की वृद्धि करने लगते हैं। वायरसेस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं और हजारों साल तक डोरमेंसी यानी इनएक्टिव की स्थिति में रह सकते हैं। दोस्तों, जब वायरस एक बार लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर कर जाता है, फिर ये सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देता है और फिर जो होस्ट की इन्फेक्टेड वायरल सेल होती है, वो और ज़्यादा वायरल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करने लगता है। दोस्तों, वायरस जनरली मुंह, आंख, नाक और यूरोजेनिटल ओपनिंग से एंटर करता है। दोस्तों, वायरस सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स को या जीव को इन्फेक्ट करता है, चाहे वो एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, कोई भी हो। दोस्तों, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों, सबसे पहला वायरस 1892 में डिमिट्री इवानोवस्की के द्वारा टोमैको में इन्फेक्ट कॉज करने वाले वायरस को डिस्कवर किया गया, जिसे टोमैको मोजेक वायरस भी कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और उसे नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। इसका मतलब दोस्तों, एक ऑफस्प्रिंग यानी बेटे के अंदर उसके पेरेंट्स के वो सारे गुण होंगे जो उसके पेरेंट्स यानी पिता के पास होंगे, और वह इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होंगे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और दोस्तों, दूसरा इनका काम इन्फॉर्मेशन सर्व करने का होता है, जो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और दोस्तों, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से उसके बेसिस के अकॉर्डिंग पर डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम डीएनए की बात करें, तो ये न्यूक्लियस में लोकेटेड रहता है और न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है, जो कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बेसिस से बना हुआ होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल होता है और यह भी फोर टाइप्स के स्मॉलर राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर साइटोसिन की जगह यूरेसिल बेसिस होते हैं। दोस्तों, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूटेशन की। दोस्तों, म्यूटेशन जो कि एक प्रकार का चेंज और मिस्टेक होता है इन जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में, जिसकी वजह से एक न्यू टाइप के जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। यह सीक्वेंस में मिस्टेक और चेंजेस सेल डिवीजन के टाइम में होते हैं और यह म्यूटेशन म्यूटाजेंस के थ्रू होते हैं, जैसे रेडिएशन, यूवी रे का एक्सपोज होना बॉडी में और केमिकल के एक्सपोजर के कारण या वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी यह म्यूटेशन बॉडी में होते हैं।
दोस्तों म्यूटेशन पृथ्वी के सभी प्राणियों में समय समय पर होते रहता है। दोस्तों इन्हीं म्यूटेशन के कारण इवोल्यूशन होता है और इवोल्यूशन के कारण नेचुरल सिलेक्शन होता है। दोस्तों आइए इसे एग्जांपल लेके समझते हैं। दोस्तों हम एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं जिसकी बीक छोटी है और उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में फूड नहीं मिलता है, क्योंकि बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और सोर्स ऑफ फूड यानी ट्रीज बहुत कम, जिसके कारण वह सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट और फ्रूट्स को खा सकती हैं जो सरफेस पे हो। दोस्तों ऐसे में इन बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स के अंदर म्यूटेशन होता है और उनकी ऑफस्प्रिंग जो आती है उनकी बीक लंबी होती है, जिससे वो एडिक्वेट अमाउंट में फूड खा सकती है और लंबी बीक होने के कारण वह जमीन में पड़े ग्रेन्स को भी आराम से खा सकती हैं और जमीन के अंदर से निकाल कर इंसेक्ट को भी अपना फूड बना सकती है। तो दोस्तों इसे कहते हैं इवोल्यूशन, जो कि एक इंडिविजुअल बर्ड के म्यूटेशन के साथ शुरू हुआ और जब सारी बर्ड्स की बीक लंबी होने लगी तो छोटी बीक वाली बर्ड्स की डेथ होने लगी। दोस्तों फूड के पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण इन छोटी बीक वाली बर्ड्स की डेथ हुई, क्योंकि बड़ी बीक वाली बर्ड्स अब वैरायटी ऑफ फूड खा सकती थी जिसके कारण वह सरवाइव कर पाई, और इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब सिर्फ वही बर्ड्स अब सरवाइव कर पाई जिनकी बीक लंबी थी और जो नेचर के हिसाब से इवॉल्व हो पाई। दोस्तों अब बात करते हैं न्यू स्ट्रेन की, जो जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में चेंज और म्यूटेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं। दोस्तों कोरोना वायरस से होने वाले डिसीज़ को कोविड-19 बोलते हैं और वायरस को SARS-CoV-2 बोलते हैं। ये वायरस डायमीटर में अप्रॉक्स 120 नैनोमीटर का होता है। दोस्तों यह क्लब शेप का होता है और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक से घिरा हुआ होता है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर क्रोन जैसे दिखता है और इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही इसका नाम कोरोना रखा गया है। दोस्तों इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई होती है और जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने के कारण इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए अनस्टेबल होता है और इसके कारण इसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस के इन्हीं स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होने के कारण इस न्यू स्ट्रेन का नाम VUI-2020-12-01 रखा गया है। यह पहली बार सितंबर में साउथ ईस्ट इंग्लैंड में पाया गया। दोस्तों टोटल 17 म्यूटेशन पाए गए हैं, जिसमें 8 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होने के कारण हुए हैं। दोस्तों सुसान हॉपकिंस पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के सीनियर एडवाइज़र ने बताया कि यह न्यू स्ट्रेन वायरस के ज़्यादा सीवियर नहीं है और ना ही इसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, लेकिन यह 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसिबल है पुराने वेरियंट से। दोस्तों ये म्यूटेशन होस्ट के सेल में रेप्लिकेशन के टाइम में देखा जाता है, जब वायरस की दूसरी इम्परफेक्ट कॉपी बनती है। दोस्तों इसके बहुत सारे केसेस यूके में देखे गए हैं और अब यूके ने फ्लाइट बैन और लॉकडाउन को लगा दिया है। बाकी कंट्री भी इसे देखते हुए फ्लाइट बैन अनाउंस कर दी है और इंडिया में अभी तक इस न्यू स्ट्रेन के टोटल 20 केसेस देखे जा चुके हैं।